हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने आठवें चैप्टर के 20 क्वेश्चनों की बात कर ली थी। आज हम इसका 21वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया एक झील में पानी के तल से, सबसे पहले एक झील दी है इसमें, ये मान लेते हैं एक झील है। आगे इसमें दिया है एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु, 20 मीटर ऊंचे बिंदु, ये मानते झील का तल, 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये मान लेते हैं 20 मीटर ऊंचा बिंदु, यहां तक ये 20 मीटर मान लेते हैं। 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, इस बिंदु को क्या नाम दिया इसने, ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तभी उन्नयन कोण बढ़ेगा, तो इस बादल का उन्नयन कोण हमारे पास कितना है 30 डिग्री, ये इसका क्षैतिज तल हो गया। यहां मान लिया ये बादल है, इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तथा झील में बादल के प्रतिबिंब का, इस झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री, बिंदु ए से झील में, ठीक है, बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो, ये दूरी ज्ञात करनी है, बिंदु ए से बादल की दूरी, इसको मान लेते हैं स्मॉल एक्स मीटर, क्या मान ली हमने बादल की दूरी स्मॉल एक्स मीटर, इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक झील का तल एफ डी, माना एक झील का तल क्या है एफ डी, झील के तल एफ से 20 मीटर ऊंचा बिंदु ए से एक बादल बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, बादल बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तथा झील में बादल के प्रतिबिंब की स्थिति ई है और बिंदु ए से उसका अवनमन कोण 60 डिग्री, और बिंदु ए से उसका अवनमन कोण 60 डिग्री। माना BC इक्वल स्मॉल h मीटर, माना BC इक्वल कितनी मान ली हमने स्मॉल h मीटर, BC इक्वल स्मॉल h मीटर, ये कोण भी बता दोगे मैं, कोण BAC इक्वल में 30 डिग्री, कोण CAE इक्वल में 60 डिग्री, FA इक्वल होगा DC के इक्वल में 20 मीटर, ये यहां तक कितना आ जाएगा 20 मीटर। अब देखो जितनी इस तल से बादल की दूरी होगी उतनी ही उसके प्रतिबिंब की तल से इसमें दूरी होगी झील में, अब ये दूरी पूरी कितनी है 20 प्लस एच मीटर, ये दूरी यहां तक कितनी है 20 प्लस एच मीटर, तो यहां से लेकर ये भी कितनी दूरी हो जाएगी 20 प्लस एच मीटर, कितनी हो जाएगी 20 प्लस एच मीटर, तो क्या लिखेंगे DE इक्वल होगा हमारे पास DB, DE इक्वल होगा DB, तो DB की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एच, 20 प्लस एच, ये हो गए। अगर CE की बात करें तो CE यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास CE, ये हो गया पूरा CD प्लस D, CD प्लस D, CD की वैल्यू हमारे पास है 20 प्लस मेरी DE की वैल्यू है 20 प्लस H, तो ये कितनी हो जाएगी 40 प्लस H में। माना बिंदु A से बादल B की दूरी स्मॉल x मीटर, और देखो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो बिंदु A से बादल की दूरी, इसकी दूरी निकालनी है, यहां तो हमारे पास लंब की वैल्यू भी नहीं है स्मॉल h की, यहां इस बेस की वैल्यू और इसकी भी हमारे पास वैल्यू नहीं, तो इस त्रिभुज को ले भी करते हैं समकोण त्रिभुज को, सबसे पहले इससे हम इस बेस AC की वैल्यू निकालते हैं, इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे बेस AC, तो समकोण त्रिभुज ACE में, समकोण त्रिभुज AC
आधार लंब किसमें आता है tan में, तो tan थीटा इक्वल लंब इसके लिए c की अपॉन में बेस इसके लिए कितना है ac, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री tan 60 डिग्री, c की वैल्यू हमने अभी पॉइंट की एक की है 40 प्लस h अपॉन में ac, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 इक्वल में 40 प्लस h अपॉन में ac, तो रूट 3 ac इक्वल कितना आ गया 40 प्लस h, तो ac इक्वल यहां से कितना आ गया 40 प्लस h बटे रूट 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ac की वैल्यू भी h में आई है हमारे पास, h की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, इस समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं, इसमें भी लंब और आधार का संबंध लगा देते हैं, तो हमारे पास h की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी क्योंकि दोनों में आधार की वैल्यू समान रखी या ac की वैल्यू रख लेंगे इसमें से, तो समकोण त्रिभुज acb में, समकोण त्रिभुज acb में tan थीटा इक्वल इसके लिए लंब कितना है cb अपॉन में बेस इसके लिए कितना है ac, ac का मान समीकरण एक से रखने पर ठीक है, थीटा की वैल्यू इसके लिए 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री, cb की वैल्यू हमें पता है कितनी है स्मॉल h, ac की वैल्यू 40 प्लस h बटे रूट 3, tan 30 की वैल्यू 1 बटे रूट 3, ये रूट 3 ऊपर चलाएगा h रूट 3 अपॉन में 40 प्लस h, वजन ग्रहण करेंगे h रूट 3 इनटू रूट 3 इक्वल में 40 प्लस h, रूट 3 इनटू रूट 3 3h इक्वल में 40 प्लस h, प्लस का h क्या है इस साइड आके माइनस का h, तो 3h माइनस h इक्वल में 40, तो 2h इक्वल में 40, तो h इक्वल 40 बटे 2, तो कितना आ जाएगा यहां पर 20 में, इस स्मॉल h की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पास लंब की वैल्यू आ गई, करंट की जगह तो लंब और करंट का संबंध लगा देते हैं, तो पुनः समकोण त्रिभुज ए सी बी में और देखो लंब और करंट, तो लंब और करंट किसमें आते हैं साइन में, तो साइन थीटा इक्वल लंब इसके लिए कितना हो गया सी बी अपॉन में करंट, करंट कितना हो गया इसके लिए ए बी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री, सी डी की वैल्यू हमारे पास स्मॉल एच है अपॉन में ए बी की स्मॉल एच, एच का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो यहां रख लेते हैं 1 बटे 2 इक्वल 20 बटे एक्स, वजन गुणन करेंगे x इक्वल 20 इंटू 2 तो x इक्वल 40 मीटर, तो अतः बिंदु A से बादल B की दूरी कितनी है हमारी 40 मीटर। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, एक नदी के कुल के एक बिंदु से, क्या है एक नदी है उसमें कुल के एक बिंदु से एक नदी के कुल के एक बिंदु से नदी के मुख्य किनारों के अभिमान कोण, नदी के कुल का एक बिंदु है ये मान लेते हैं, इस कुल का एक बिंदु नदी के मुख्य किनारों पे कुल का ये बिंदु हो गया, ये मान लेते हैं नदी के मुख्य किनारों के अवनमन कोण, मुख्य यानी अलग अलग ए बी एक किनारा हो गया मुख्य ए बी ठीक है, अवनमन कोण 30 और 45 है, इस बिंदु से इसका अवनमन कोण हमने मान लिया 30 है और इस दूसरे का कितना है 45,
फिर आगे क्या बोला, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, ये किनारे हो गए इसके, तो पुल के इन किनारों से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 4 मीटर की ऊंचाई पर। ये ऊंचाई नंबर हमने कितनी की है, 4 मीटर। आगे क्या बोला इसमें, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, ये ज्ञात करनी है हमने नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितनी है। इसको मान लेते हैं यहां तक स्मॉल एक्स मीटर, इसको मान लेंगे हम स्मॉल वाई मीटर, तो पूरी नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। जेड की आकृति बन गई, ये भी 30 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 45। लंब और आधार का संबंध लगा लोगे इसमें, तो आपके पास आधार की इसकी एक्स की वैल्यू आएगी, फिर इसमें कौन त्रिभुज में संबंध लगाओगे, लंब और आधार का, तो आपके पास स्मॉल वाई की वैल्यू आएगी, तो अतः नदी की चौड़ाई एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई की वैल्यू भी सिर्फ जोड़ेंगे। समझिए ये कि डायग्राम आपको इसमें बना के दे दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप खुद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक, देखो एक जहाज का डेक है जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। देखो यहां पर ये मान लेते हैं जहाज का डेक हो गया, ये पानी की सतह से कितने मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, मान लेते हैं पानी की सतह यहां, इससे ये कितने मीटर ऊंचा है, 10 मीटर। फिर आगे क्या बोले, पर खड़ा है, इस पर वो व्यक्ति यहां पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, अब देखो पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण यहां से 60 डिग्री देखता है, इसका अर्थ है पहाड़ी बड़ी है, उन्नयन कोण बड़ा है नीचे से ऊपर की ओर देखो, तो एक यहां पर हम मान लेते हैं पहाड़ी, इससे पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण वो कितना देखता है, 60 डिग्री, ये हो गया हमारा क्षैतिज तल। ठीक है, आगे क्या बोला इसमें, तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, ये पहाड़ी का शिखर है, ये पहाड़ी का आधार है, इसको अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। तो जहाज की पहाड़ी से दूरी, इस जहाज की इस पहाड़ी से दूरी, ये दूरी ज्ञात करनी है, ये कितनी दूरी पर है जहाज इस पहाड़ी से, और क्या बोला इसमें, तथा पहाड़ी की ऊंचाई, ये भी पूरी हमें ज्ञात करनी, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, माना ए बी एक जहाज का डेक है, ए बी एक जहाज का डेक है जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, माना ए बी एक जहाज का डेक है जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, तथा सी डी एक पहाड़ी है, जहाज के डेक ठीक है बिंदु बी से एक आदमी पहाड़ी के शिखर डी को उन्नयन कोण 60 डिग्री पर देखता है, तथा पहाड़ी के आधार सी को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। ये लिख दो, माना AC इक्वल स्मॉल x मीटर, माना AC इक्वल स्मॉल x मीटर, अब ये AB किसके इक्वल होगा, C के, ये पहले तो कोण लिख दो, एक कोण DBE इक्वल में 60 डिग्री, कोण ABC इक्वल में 30 डिग्री, कोण EDC इक्वल होगा कोण BCA इक्वल में 30 डिग्री एकांतर, कौन से कौन है एकांतर, क्योंकि ये दोनों एक हैं क्या, समांतर इनको तिर्यक काटे तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो गया 30, जेड की आकृति भी बन रही, कारण दे दोगे BE समांतर है AC, BE समांतर है AC तथा AB समांतर है C, AB समांतर है C, तो यहां से AB किसके इक्वल हो जाएगी, C के एक पल में कितना आ गया, 10 मीटर, ये कितना आ गया हमारे पास यहां तक 10 मीटर। इस ऊपर वाली ऊंचाई को मान लेते हैं एच मीटर, इसको क्या मान लिया हमने एच मीटर, पहले इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है स्मॉल एक्स की, एक त्रिभुज को लेकर
चलते हैं लंब और आधार है तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए सी में टेन थीटा इक्वल लंब इसके लिए ए बी अपॉन में आधार ए सी, ए बी अपॉन में ए सी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल में ए बी की वैल्यू 10 बटा में स्मॉल एक्स, 35 की वैल्यू 1 बटे रूट 3 इक्वल में 10 बटे एक्स, तो एक्स इक्वल कितना आ गया 10 रूट 3। क्वेश्चन नंबर 1, इस जहाज की पाड़ी से आधार से दूरी कितनी है 10 डिग्री। अब ये AC किसके इक्वल है बी के, AC इक्वल है बी इक्वल में कितना आ जाएगा ये भी 10 रूट 3, ये भी कितना आ गया 10 रूट 3। अब इसमें भी लंब और आधार का संबंध लगाते हैं इस समकोण त्रिभुज में, तो स्मॉल x की वैल्यू आएगी तो समकोण त्रिभुज BED में, BED में tan थीटा इक्वल लंब इसके लिए ED अपॉन में बेस इसके लिए BE, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री tan 60 डिग्री इक्वल में AD की वैल्यू यहां पर स्मॉल x अपॉन में BE 10 रूट 3, तो रूट 3 इक्वल में h बटे 10 रूट 3 तिरछा गुणा करेंगे तो h इक्वल 10 रूट 3 इंटू रूट 3, तो 10 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो ये कितना आ गया 30 मीटर। ये कितनी ऊंचाई है 30 मीटर, अतः पहाड़ी की ऊंचाई, अतः पहाड़ी की ऊंचाई पूरी पहाड़ी हमारे पास क्या है CD इक्वल में CE प्लस ED, C प्लस ED, तो C प्लस ED, C की वैल्यू 10 प्लस में है, H का मान हम देते हैं 10 प्लस 30, तो कितनी आ गई 40 मीटर। तो अतः जहाज की पहाड़ी के आधार से दूरी 10 रूट 3 मीटर तथा पहाड़ी की ऊंचाई 40 मीटर। इसका 24वां क्वेश्चन खुद करें, 24वां क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, इसके जैसा पेड़ वाला पहले भी करवाया है 12वां क्वेश्चन, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।